YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, तो ये है लेक्चर नंबर तीसरा। तो 2.2 का हमने पहला क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए थे। आज से यहाँ इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो हमें दिया गया है क्या क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरो सम ऑफ प्रोडक्ट आपको दिया गया है। उससे आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, यानी कि एक इक्वेशन फॉर्म में बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक यहाँ पे देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन द नंबर सम ऑफ प्रोडक्ट इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो पहला यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दिया है 1/4 और 1, ठीक है, माइनस में दिया है ये वाला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक ट्रिक मैं ऐसा बताता हूँ, इससे सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी, अब इससे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, वेयर वेयर एस क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा और पी क्या है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, अल्फा इंटू वैल्यू दिया है, आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका तुरंत क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू दिया है तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, एस के स्थान पे क्या दिया है आपका, एस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस पी, तो पी के स्थान पे क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो हम रखेंगे क्या दिया है -1। चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1/4 को ऐसे रखते हैं और ये क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 4x स्क्वायर और यहाँ पे x और यहाँ पे 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इजी फॉर्म में आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, बहुत ही आसान है, एस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, पी का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बस इस फार्मूले को पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है आपको, दोनों दिया है, बस इस फार्मूले में आपको पुट करना है और आंसर क्या करना है निकालना है। चलिए इसी तरीके से हर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। सेकेंड दिया है आपका, इसको भी मिटा देते हैं, सेकेंड नंबर दिया जो है रूट में 2 और आपका दिया है 1/3, तो यहाँ आप ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा दिया है रूट में 2, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका 1/3, तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी, ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है रूट में 2, ठीक है, रूट में 2, यहाँ एस लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और p की वैल्यू क्या दिया 1/3। चलिए अब एलसीएम जब लेंगे तो 3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 3 रूट में 2x और 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, तुरंत आप निकाल सकते हैं, किससे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स पी प्लस पी, तो s का मतलब सम ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट कर लीजिए, सम ऑफ जीरो कर लीजिए, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है 0 × √5, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है √5। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एक बार लिख लीजिए पी, अब एस के स्थान पे आपको क्या पुट करना है 0 इंटू एक्स, पी के स्थान पे रूट में क्या है 5, तो आपका आ जाएगा ये टोटल 0 हो जाएगा प्लस रूट में 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं, कौन सा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर यही था, फोर्थ नंबर है आपका, दिया है आपका अल्फा प्लस बीटा आपका 1/1 दिया है, ठीक है, फोर्थ नंबर दिया है 1 और 1,
यानी अल्फा प्लस बीटा वन, अल्फा इंटू बीटा का दिया है वन, तो यहां से रख दीजिए एस एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी में, तो एक्स स्क्वायर एस की जगह पे वन रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन में रख दीजिए कोई फर्क नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, दिखा के लिख के कि एस बराबर अल्फा प्लस बीटा, पी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं, फाइव और सिक्स, फिर क्या होगा ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये बहुत आसान वो था, यहाँ पे कौन सा नंबर है आपका फिफ्थ नंबर, और आपके अल्फा प्लस बीटा जो दिए हैं माइनस वन बाई फोर, अल्फा इंटू बीटा दिए हैं वन बाई फोर, ठीक है। चलिए अपना ट्रिक लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू क्या है माइनस में है, तो पहले ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस में, ठीक है, जब ये माइनस खुलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा फोर, और यहाँ पे वन बाई फोर। अब एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा वन, ठीक है, ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट वन देख लेते हैं, लास्ट वन दिया है अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है फोर, ठीक है, सिक्स नंबर है, और अल्फा इंटू बीटा दिया है वन, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू क्या है फोर एक्स प्लस पी की वैल्यू वन, तो एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। तो बस ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी, ठीक है, और सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए क्वेश्चन नए ट्रिक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।